हेलो बिट्टू, रियांशु, रिशु, काशु एंड पल्लवी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज द इंटरनेट, डिफिनीशंस ऑफ इंटरनेट, क्या क्या यूजेज हैं एंड उसके एडवांटेज क्या हैं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज भी काफ़ी है, एडवांटेज को देखेंगे। एडवांटेज में क्या क्या एक्चुअली हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं, उसके पहले हम लोग डिफिनीशंस को चेक करते हैं, और डिफिनीशंस के पहले हम लोग समझते हैं कि ले मेन के लैंग्वेज में कि व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट कोई भी पूछता है तो वो है क्या, तो दो वर्ड ऑलवेज आपको याद रखना है कि व्हाट इज इंटरनेट। जो हम व्हाइट बोर्ड पर हम जाते हैं, व्हाइट बोर्ड से हम आपको क्लिक करते हैं ताकि आप फर्स्ट पेज समझ। व्हाट इज सो इंटरनेट जो है फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। टूल मीन्स टूल, टूल मतलब आप स्क्रू ड्राइव देखते हो, इसको स्क्रू ड्राइव जो जिसको नट या किसी बोल्ट को टाइट करना रहता है उसको टूल बोलते हैं। मोटरसाइकिल में जिसे मोबिल डालते हैं या की की उसमें जो लगाते हैं उसको टूल बोलते हैं। टूल्स मीन्स उस टूल के सहारे आप किसी चीज़ को यूज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं या उसको ट्यून करते हैं। ट्यून मतलब उसको परफेक्ट बनाते हैं। तो इंटरनेट एक टूल है एंड प्रोमिनेंट रिसोर्सेस एंड ह्यूज रिसोर्सेस। ह्यूज रिसोर्सेस मतलब जिसके थ्रू आपको किसी भी दुनिया का कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, गलत सही किसी भी लेवल का इंफॉर्मेशन गैदर करना है, ग्रुप कम्युनिकेशन करना है, ट्यूटोरियल करना है, एनीथिंग। तो दिस इज योर प्रोमिनेंट रिसोर्सेस, ह्यूज रिसोर्स है। तो इंटरनेट देर इज टू थिंग, इट्स बेस्ट एवर टूल एंड विद द लास्ट लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट बींग यूज बाय द ऑलमोस्ट एवरी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। इसका सबसे अच्छा फीचर यही है, थ्रू आउट द ग्लोब दुनिया के सारे लोग इससे कनेक्ट हैं। जिस चीज से सारे लोग कनेक्ट हैं उसके टूल एंड रिसोर्सेस ऑफकोर्स बहुत ह्यूज होंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं उनके रिसोर्सेस ह्यूज हो जाते हैं। तो इंटरनेट क्या है बेटा? दिस इज नथिंग टू थिंग्स। फर्स्ट इट इज ए टूल, टूल बाय विच यू गोइंग टू ट्यून एनीथिंग, यू कैन गेट द फाइन फाइन स्टफ फ्रॉम दैट। एंड प्रोमिनेंट रिसोर्स मीन्स इतना कैपेबल रिसोर्स है जिससे आप जो चाहो वो ले सकते हो। रिसोर्स मीन्स एंड टूल मीन्स टूल के थ्रू जिससे आप एक्सेस करोगे रिसोर्स को, और रिसोर्स मीन्स प्रोमिनेंट रिसोर्स। सो दिस इज द बेस्ट एंड लेटेस्ट डिफिनेशन ऑफ इंटरनेट। इट्स ए इम्पॉर्टेंट टूल एंड द प्रोमिनेंट रिसोर्स। रिसोर्स टूल का क्या यूज है? उस रिसोर्स को आप यूज करेंगे अपने डे टू डे। क्लियर? अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या क्या दिखता है, तो हम मुझे हर एक से दो दो पॉइंट चाहिए। तो पहला बिट्टू बताएगा, बिट्टू बेटा इस डायग्राम में क्या दो चीज आपको दिख रहा है? उसके बाद रिशु बताएगी इसमें दो चीज क्या दिखता है, पल्लवी बताएगी दो चीज क्या दिखता है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पल्लवी। पल्लवी तुम बताओ दो चीज क्या दिखता है, दिख रहा है आपको इस डायग्राम में? ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप ये दिख रहा है ना, ये सब क्या दिख रहा है? इसमें कोई दो तीन, दो या तीन चीज बताओ जो आपको दिख के समझ में कुछ आ रहा है। हाँ, लोकेशन दिख रहा है और लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे? दिस इज द लोकेशन। हाँ ओके, तो पल्लवी बोल रही लोकेशन दिख रहा है। सो मीन्स यू कैन ट्रैक लोकेशन ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग, इवन ह्यूमन का, किसी वाटर बॉडी का। वाटर बॉडी मीन्स कहीं पे रिवर है उसको लोकेट कर सकती हो, कहीं पे लैंड है तो उसको लोकेट कर सकती हो, कहीं पे माउंटेन है लोकेट किया जाता है। जिसे अभी कोई भी चोर यदि कहीं पे चोरी कर रहा है तो उसका लोकेशन हम लोग परफेक्ट पता कर लेंगे। सो कैसे? क्योंकि प्रोमिनेंट रिसोर्स के कारण, क्योंकि वो पूरी दुनिया के बारे में जान रहा है इंटरनेट। कैसे? वो हम समझेंगे। और देर इज टूल बाय विच आई कैन आइडेंटिफाई
कि दिस इज द लोकेशन। ओके लोकेशन, वेरी गुड। वन टूल, सेकंड क्या है बेटा? सेकंड टूल यार कुछ भी बताओ, इतनी सारी चीजें यार। ऑनलाइन शॉपिंग, वो ऑनलाइन शॉपिंग टाइम शॉपिंग, वेयर जो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग लोकेशन इज, के जस्ट नीचे। ओके दिस इज ऑनलाइन शॉपिंग। जिसे हम लोग डी मार्ट में जाते हैं ना, एक ट्रॉली होता है, या बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, ट्रॉली में हम लोग सामान रखते हैं, हम लोग खरीद के रखते हैं। तो ऑनलाइन इसको सिंबल बनाया हुआ कि भाई आप फिजिकली जाके आप उसमें सामान रखते थे, तो आपको नहीं जाना है। आप क्या करो, जब भी विजिट करो, विजिट मतलब आप वेब ब्राउजिंग करते हो, आप ब्राउजिंग करते हो ना। ब्राउजिंग मतलब क्या होता है? ब्राउजिंग मतलब आप जब किसी भी इंटरनेट साइट को ओपन करते हो, ब्राउज करते हो, ब्राउजिंग होता है। उसमें कुछ भी सामान पसंद आता है तो दिस इज कॉल्ड, दिस ट्रॉली को, फिजिकल ट्रॉली को कहा जाता है कार्ट, CART, कार्ट मतलब इसमें आप जो जो सामान रखना चाहते हो रखते जाओ। दिस इज वर्चुअल कार्ट, वर्चुअल ट्रॉली, जिसमें आप अपना सामान रख सके, बाद में आपको पसंद आया, उसके रेट समझ में आए, उसके फीचर्स समझ में आ गए, तो आप यू कैन बाय। सो ओके, दो फीचर्स, दो टूल, तो ये टूल है बेटा, दिस इज कॉल्ड टूल। एंड ब्राउजिंग इज ए अनदर टूल। तो ये दोनों टूल से ब्राउजिंग क्या करता है? ब्राउजिंग एक टूल है जिसके टूल से आप जो रिसोर्स को देखते हो, ब्राउज करते हो, रिसोर्स की प्रॉपर्टी, रिसोर्स क्या हुआ, जिसे कोई आइटम आप खरीदना चाहते हैं या कुछ भी, जिसे आपको यहाँ से गोवा जाना है, तो गोवा के लिए जो है, गोवा एक रिसोर्स हुआ, और वहां जाने के लिए हमको डायरेक्शन, डायरेक्शन सर्च करना है, तो कौन सा टूल हुआ? मैप, यू कैन सी हियर, गूगल मैप, गूगल मैप यू कैन यूज। और वो टूल क्या बताएगा, गोवा जाने के लिए जो है डायरेक्शंस क्या है। तो व्हाट इज द टूल? गूगल मैप इज अ टूल। व्हाट इज अ रिसोर्स? द इंफॉर्मेशन ऑफ द गोवा इज अ रिसोर्स। ओके सो ये दोनों मिलके इंटरनेट ब्राउजिंग आप करते हो। ओके ना, यहाँ पे ब्राउजिंग क्या किया, ब्राउजिंग कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं, मंटर जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी चीजें जिस पे जाके आप ब्राउज करके सामान पसंद करते हैं, रखते हैं, तो कार्ट इज ए टूल बाय विच यू कैन एक्युमुलेट योर डिजायर रिसोर्स। रिसोर्स मीन्स आप क्लोथ, शू, एनीथिंग आप खरीदते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, दो पॉइंट रिशु बताएगी। रिशु बताओ बेटा, इसमें से कौन सा दो पॉइंट आपको समझ में आता है? इंटरनेट इंटरनेट, कहाँ पे इंटरनेट बताओ, मम्मी दिखाओ, इंटरनेट इंटरनेट और और डाटा। डाटा, इंटरनेट, वेयर इज इंटरनेट? ओके दिस इज द कॉल्ड इंटरनेट, दिस इज द कॉल्ड इंटरनेट। और ये इंटरनेट रिशु ने बताया, रिशु बताई इंटरनेट, दिस इज इंटरनेट, ये रिशु ने बताया। एंड डेटा, डेटा वेयर इज डेटा सिंबल? एनीवन, डेटा सिंबल, देयर इज डेटा सिंबल? नो, देर इज ए कम्युनिटी सिंबॉल, दिस इज कम्युनिटी सिंबॉल, दिस इज ऑटोमेशन सिंबॉल। ओके नाउ डेटा, ऑफ कोर्स डेटा, डेटा इज अ प्रोमिनेंट रिसोर्स बेटा, जिस पे काम होता है, ये जितने भी टूल हैं डेटा पे ही काम करता है, रिसोर्स पे ही काम करता है। तो इंटरनेट इज अ कनेक्टिविटी टूल। सो आज हम लोग इंटरनेट पढ़ेंगे, और इंटरनेट कैसे, ये टूल है एक जो कि रिसोर्स के साथ है, पैकेज है, टूल एंड रिसोर्स इज इंटरनेट। ओके नाउ बिट्टू टेल मी, दो दो टूल जो आपको दिख रहा है डायग्राम में। बिट्टू, बिट्टू सो गया लगता है। टू, आर यू स्लीपिंग? आप सो रहे हैं? ओके चलो, बिट्टू नहीं बोलेगा ना, नो वरी। सो हम लोग समझ गए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बाय मेड ऑफ टू थिंग्स। वट इज फर्स्ट? इट्स अ टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एंड विच प्रोवाइड द अलॉन्ग विद द प्रोमिनियंट रिसोर्स ऑन विच दिस टूल गोइंग टू मेक दोज रिसोर्स यूजेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, और कस्टमाइजेशन, जो भी कस्टमाइज करके उसको यूज करना। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पेज, अनदर डायग्राम। तो उसमें जितना भी है सारा वो सबका बताइए ना।
अच्छा, ये तो तुमको सर्च करना है, दिस इज योर थिंग। ओके चलो मैं बता देता हूँ एक दो। चलो इंटरनेट के बगल में एट द रेट व्हाट मींस यू वांट टू व्हाट, वेब, वेब ब्राउजिंग, जिसपे www मंत्रा .com, उस पे तुम क्या देखती हो, अपना सलवार सूट साड़ी लेटेस्ट डिजाइन सैंडल्स। सो दिस इज वेब ब्राउजिंग। देन सेकेंड इज एरोप्लेन, मीन्स वॉट द ट्रांसपोर्ट, यू वॉन्ट टू बुक द फ्लाइट, यू वॉन्ट टू बुक द ट्रेन, यू वॉन्ट टू बुक एनीथिंग। और बीच में क्या है, इंडस्ट्री का सिंबॉल है, दिस इज इंडस्ट्री सिंबॉल, मीन्स इट्स गोइंग टू शो यू वॉट आर द इंडस्ट्री रिलेटेड, दीज आर कनेक्टेड टू ऑल द कॉरपोरेट डेटाबेस जो रिसोर्स प्रोवाइड करता है, दैट्स नथिंग इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये माशा जी, यस बेटा, ये नीचे में ट्रक के बगल में किस चीज का साइन है? ट्रक इसके बगल में का जो सिंबल है उसके बगल में। इंटरनेट, दिस दिस वन एंड उसके नीचे। अच्छा ट्रक के बगल में यहाँ पे छोटा सा ईमेल। इस तरफ। ओके दिस है, दिस इज कॉल्ड, देर इज ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। सो दिस इज द बार ग्राफ, बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है, दिस इज बार ग्राफ सिंबल, एंड दिस इज शोइंग दैट पहले छोटा बार ग्राफ था, उसके बाद इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया, सो रैपिड इंक्रीमेंट ऑफ द ग्राफ। सो इंटरनेट यूजेज एंड कम्युनिटी यूजेज कीप ऑन ग्रोइंग, इंटरनेट मार्केट ग्रोइंग, इंटरनेट बिजनेस ग्रोइंग, एवरीथिंग कमिंग ऑन ओवर द इंटरनेट, द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, द प्रॉस्पेरिटी व्हाट कम्स इन द इंटरनेट, उसके बारे में बताया। उसके बगल में कैमरा है, कैमरा है नहीं क्या? ओके तो हाँ कैमरा है, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग, दिस इज द होमवर्क, यू हैव टू वर्क ऑन दिस एंड पोस्ट एट द व्हाट्सएप क्या डायग्राम है, ठीक है, और सबका आंसर है। ओके सो देयर इज अ टू टाइप ऑफ डायग्राम, फर्स्ट बिग बॉक्स स्मॉल बॉक्स, तुमको ऐसे आंसर देना, बिग बॉक्स वन, स्टार्ट यहां से, बिग बॉक्स का ये कैमरा का सिंबल है, बट व्हाट इज दिस, एनीवन वर्कआउट करो, ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने बताया हूं, लेकिन फिर भी दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट। चलो इस पे होमवर्क करो, इस पे जितने भी मैं डायग्राम देता हूँ दैट्स मीनिंगफुल, आई विल आंसर यू फ्यू ऑफ थिंग, बट यू हैव टू वर्क आउट रिमेनिंग एंड कम विद, यदि आप सर्च नहीं कर पा रहे हो कम विद विद दैट, सो दिस सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके लेट मी टेल व्हाट इज दिस सिंबल गाइज, सिंस लास्ट टू क्लासेस वी आर स्टडिंग अबाउट किला। दिस, व्हाट इज दिस, टेल मी व्हाट इज दिस सिंबल ऑफ। सोलर ओके सोलर पैनल मीन्स दिस इज रिन्यूएबल इनर्जी सिंबल, मीन्स हम लोग उस इनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि रिन्यूएबल है, मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसको रीयूज किया जा सकता है। ओके दैट्स अ सोलर पैनल, सोलर इनर्जी, एक्सेलेंट। ओके नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट। सो अब हम डिफिनेशन देख लिए, अब देखेंगे कि व्हाट डू बाय द इंटरनेट, इंटरनेट करता है क्या, इट्स कनेक्ट, जो कि बिट्टू ने पूछा था कि इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ना है मामा जी, इंटरनेट सर्विस क्या करते, दिस इट्स कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड सर्वर्स। चलो क्विकली हम समझते हैं, ओके और हम लोग क्या करेंगे, 30 30 मिनट्स का ही वीडियो बनाएंगे, देन वी विल टेक द ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट अनदर वीडियो, ओके इन द सेम क्लास। ओके नाउ चलो लेट्स मूव टू द, इट कनेक्ट टू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, ऑफ कोर्स कैसे कनेक्ट करता है मिलियन ऑफ कंप्यूटर, आप जैसे इंटरनेट क्लाउड, दिस इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्लाउड है, ये इंटरनेट क्लाउड से आप जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट करते हो वैसे ही पूरी दुनिया कनेक्ट करती है 24x7, तो आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो, ऑटोमेटिक ऑटोनोमस सिस्टम बन चुका है ये। वेब पेजेस, वेब पेजेस क्या करते हैं, वेब पेजेस हेल्प यू टू ब्राउज एनीथिंग, यदि किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन देना है, जैसे आशुतोष कुमार को अपना इंफॉर्मेशन देना है, तो हाउ डू आई कीप द इंफॉर्मेशन ऑलवेज, क्योंकि मानो कि कभी रिशु जो है ऑस्ट्रेलिया में सपोज पढ़ रही है, तो वो 2 बजे रात उसका दिन होता है,
इंडिया में जो है 10 बजे दिन होता है, जापान में जो है 4 बजे दिन हो जाता है, यूएस में रात को 8 बजे दिन होता है। तो रिशु क्या करेगी, एक वेब पेज ओपन कर देगी और अपने बारे में सब कुछ बता देगी, अपना फोटो दे देगी वेब पेज पे, अपना नाम दे देगी, अपना उम्र दे देगी, डेट ऑफ बर्थ, अपने बारे में कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, मैं जो हूँ सेटेलाइट टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रही हूँ, मेरा रिसर्च यहाँ तक गया है, कोई रिसर्च में डेवलप्ड और हेल्प करना चाह रहा है तो दे कैन कम एंड ज्वाइन मी, दीज आर द इंफॉर्मेशन। अब ये वेब पेज जब आपने क्रिएट कर दिया तो क्या हो गया, यू आर ऑनलाइन, मीन्स एनीवन जिसका दिन जो है 2 बजे रात को भी ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो या अमेरिका में हो, जब वो जगेगा ये वेब पेज वहां पे रहेगा और वो अपना कंटेंट ऐड कर देगा कि यस रिशु आई वांट टू डू दिस। सो वेब पेज इज नथिंग, इट्स ऑल ऑनलाइन। ऑनलाइन मीन्स ऑलवेज 24x7 अवेलेबल। तुम तो कोई भी आदमी 24x7 नहीं अवेलेबल हो सकता है, बट ड्यू टू इंटरनेट ये पॉसिबल हो गया। ड्यू टू इंटरनेट, इंटरनेट एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्या हुआ, जिसे ये रिशु का डेटा, ये जो रिशु अपना डेटा डाला, इसको रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन इस रिसोर्स को यूज करने के लिए कौन सा टूल यूज होगा, तो टूल क्या हुआ बेटा, टूल हुआ वेब पेज, वेबसाइट, ये सब टूल हुआ। और सर्वर क्या हुआ, ये रिसोर्स हुआ। तो इंटरनेट का रिसोर्स क्या है बेटा, सर्वर्स हैं, जो सर्विसेज देता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, डेटा हुआ, दोज आर द रिसोर्सेस, एंड द टूल हुआ वेब पेज, वेबसाइट, कंप्यूटर, कंप्यूटर इटसेल्फ हार्डवेयर टूल हुआ। दिस इज दो टाइप ऑफ टूल्स है, दिस इज हार्डवेयर टूल, दिस इज सॉफ्टवेयर टूल। ओके नाउ अब ये इंटरनेट के थ्रू हम क्या क्या कर सकते, नाउ कम टू द मेडिकल। आपने देखा कोविड, हम लोग जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ, कैसे ये डेटा पता चलता है कि जो भी सुई लेने जाता है वो अपना रजिस्टर करवाता है ऑनलाइन। वंस यू आर रजिस्टर्ड, दिस इज द मैप्ड विद द आधार कार्ड, सो दे गोइंग टू ऑटोमेटिक ट्रैक डाउन। द मेडिकल फैसिलिटी को इजी बचाया गया। अभी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कैसे, कुछ भी एग्रीकल्चर के बारे में मालूम करना है कि ट्रैक्टर का रेट क्या चल रहा है, ट्रैक्टर इंश्योरेंस कैसे होता है, ट्रैक्टर कितने कम रेट में हमको लोन पे ट्रैक्टर मिल सकता है, तो आप एग्रीकल्चर में बेनिफिट हो सकते हैं। फिर प्लांटेशन, किस मिट्टी में, किस टाइप के सॉयल में कौन सा प्लांट लगाया जा सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसमें बेस्ट किस क्लाइमेट में कौन सा क्रॉप्स गोइंग टू एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर है, वी गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन। और हर एक मंथ में जो जो एटमोसफेयर है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, जहाँ की मिट्टी में नम्रता ज़्यादा होती है, जहाँ पे उर्वरक ज़्यादा है, या कहीं पे स्कॉर्सिटी लाइक जैसे बालू है, उसमें क्या क्या फसल लगाया जा सकता है, तो एग्रीकल्चर बेनिफिट वी कैन एबल टू गेट। ओके बट एंड ऑफ डे यू हैव टू बी वेरी एजुकेटेड अबाउट द इंटरनेट, देन ओनली यू आर एबल टू डू। नाउ सेकेंड द बिल्डिंग, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल बिल्डिंग मतलब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते हैं, दुकान होते हैं, बड़े बड़े व्हाट इज मॉल्स होते हैं, मॉल्स में आप, मॉल्स, तुम मॉल में आप शॉपिंग के लिए जाते हो, शॉपिंग मॉल होते हैं, और सर्विसेज शॉपिंग मॉल्स होते हैं, सर्विस सेंटर्स होते हैं, तो दीज आर द कॉमर्शियल बिल्डिंग। ओके फॉर कॉमर्शियल यूज। कम टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज आउटसाइड ऑफ द रेसिडेंशियल, ये टाउन से बाहर होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, जहाँ पे इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, तो उनका डेटाबेस मार्केट से कनेक्ट होता है, आप उसके डिमांड और सप्लाई को अचीव कर सकते हैं, तो दे कंट्रोल देयर डिमांड एंड सप्लाई एंड दे गेट प्रॉफिट अबाउट दैट, किसका डिमांड है मार्केट में, दे कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू दे विल मूव फॉर प्रोडक्शंस। ओके और यदि ज़्यादा प्रोडक्शंस हो गया है तो उसको कंट्रोल करेगा, स्टोरेज करेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, तो उसको बैलेंस करेगा डिमांड एंड सप्लाई को। सो दिस इज वेरी गुड टूल एंड रिसोर्स फॉर द इंडस्ट्री आल्सो। देन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन्स व्हाट, जो आप ऑपरेट करते हो कि आप डेली की जो डेवरिटी है उसको
आप जो है कंज्यूमेबल बनाते हो कि को कंज्यूम हो रहा है क्या नहीं, वो ऑपरेशनल्स है क्या नहीं, तो उसके लिए क्या क्या है, एटीएम्स हैं, टेलीसॉफर्स है, कंप्यूटर्स हैं, फोन्स के मैंने कि काफ़ी सारे मोड्स हैं जिसमें मोबाइल में यूज होता है, टेलीफोन में, टेली मार्केटिंग के लिए यूज होता है, सो मेनी स्टफ्स ऑफ, तो ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशंस, देन डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑपरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशंस इज कमिंग एबव द ऑपरेशंस, सो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशंस चैनल्स को बढ़ाना है, हाउ डू यू एबल टू गेट, किस विलेज में कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोबेबिलिटीज है, क्या क्या चैनल्स हैं, तो इंटरनेट गिव यू ओवरऑल एवरी मार्केट सोल्यूशन, इवन एवरीथिंग लाइक कस्टमर सर्विसेज, आज कस्टमर सर्विसेज कितना इजी हो गया है, आप एक कॉल करते हो और आपको स्पेसिफिक किसी भी चीज़ के लिए आपके पास अवेबिलिटी आता है, नाउ योर योर स्टाइल ऑफ गेटिंग द कॉल एंड सर्विसेज आर चेंज, नो नीड टू कॉल, जस्ट यू डू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे करो, उनको सर्विसेज दो, सर्विसेज बता लो क्या क्या सर्विसेज तुम्हें लेना है, दे विल कम, सो नाउ द मोड ऑफ ऑपरेशंस, मोड ऑफ कस्टमर सर्विसेज, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज शिफ्टेड टू द ऑनलाइन, ओके, नाउ द बेस्ट वन दैट इज कॉल्ड मार्केट, आप देखते हो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये जितने भी हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर्ल्ड में बेस करते हैं, इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट यू आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी है, उसमें चोरी नहीं संभव है, सो दिस इज दैट्स, सो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, दीज आर द बेनिफिट्स, ह्यूज बेनिफिट्स फॉर द व्हाट, दैट्स इंटरनेट, नथिंग, दैट्स इट, क्लियर, नाउ चलो अब क्विकली हम एक छोटा चीज डिस्कस करते हैं जो कि आगे बढ़ने से पहले समझना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड, पहला इंटरनेट, अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इंटरनेट एंड सेकेंड टर्म है इंट्रानेट, इंट्रानेट आपको समझना है इन दोनों टर्म को, आप ज्वैसी, ज्वैसी नहीं है कॉल पे, पल्लवी एंड रिशु, रिशु आपको ये दोनों टर्मोलॉजी मालूम है कुछ भी बेटा, व्हाट इज मींस बाय इंटरनेट, व्हाट डू मीन बाय इंट्रानेट, मालूम है बेटा, ओके, सी इज नॉट इन कॉल, रिशु, ओके, सी डोंट वांट टू आंसर, फाइन, एंड इंट्रानेट, एनीवन, नो, सो व्हाट इज इंटरनेट, यहां पे ध्यान दो, दोनों में एक वर्ड कॉमन है, नेट, दैट्स इंड विद द नेट, यहां देखो नेट, इंड विद द नेट, नेट लास्ट थ्री वर्ड से दैट नेटवर्क, क्या इसका मतलब है, नेटवर्क, दिस इज द कॉल्ड नेटवर्क, सो फर्स्ट वर्ड इंटरनेट एंड इंट्रा मीन्स व्हाट डू मीन बाय इंटर एंड इंट्रा, इंटर मीन्स लेट मी गो फॉर द ग्रीन वन, एक कलर चेंज कर रहा हूं, यस, तो सो इंटर मीन्स बिटवीन, जिसे एक्स वाई जेड ये एक ग्रुप है, एंड ए बी सी दिस इज वन ग्रुप, इसके बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो ये बोला जाएगा इंटर, दिस इज कॉल्ड इंटर, आप इंटरमीडिएट पढ़ते हैं ना, इंटरमीडिएट, सो वह हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के बीच का कनेक्टिविटी है, उसको बोला जाता है इंटर, सो दो नेटवर्क के बीच में, सपोज ए बी सी इज ए नेटवर्क एंड एक्स वाई जी इज ए नेटवर्क, द कनेक्टिविटी बिटवीन दीज टू, सो मीन्स बिटवीन टू नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, कॉल्ड इंटरनेट, बट द अदर साइड, लेट मी टेक
रेड वन. अदर साइड इफ यू हैव एक्स वाई जी एक्स वाई जी नेटवर्क एंड वी हैव ए बी सी नेटवर्क. ओके सो एक्स वाई जी बिटवीन दीज टू कॉम्युनिकेशन विद इन द नेटवर्क कॉम्युनिकेशन मीन्स विद इन दिस नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट. विद इन दिस नेटवर्क विद इन द नेटवर्क मीन्स ये कॉम्युनिकेशन जो हो रहा है एक्स वाई जी के बीच में हो रहा है. एक्स वाई से कर रहा है, वाई जे से कर रहा है, और जी फिर से उसी तरह ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, सी वन. सो विद इन नेटवर्क जब होगा, विद इन नेटवर्क यदि कॉम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रा नेटवर्क. इंट्रानेट ये है इंट्रानेट. और जब बिटवीन, लेट मी गो फॉर ग्रीन कलर, लेट मी गो ग्रीन वन. इफ यू हैव कॉम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन टू नेटवर्क दैट्स गोज फॉर इंटर नेटवर्क. इंटरनेट. सो यू गॉट द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट. I'm going to stop here and okay, then we will shoot for another. Any question till here? Rishu, Joyce, I'm going to stop recording. I will see you in next class. Thank you. Bye-bye.